नमस्ते दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने ब्राउजर के स्पीड को बढ़ा सकते हैं, मतलब ब्राउजर के नेट स्पीड को की बात नहीं कर रहा हूँ, उसका ओपन होने में कभी कभी बहुत टाइम लगता है और कभी कभी ओपन नहीं भी होता, तो इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे फिक्स कर सकते हैं, तो ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो इसके लिए बने रहिए, और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए इस वाले बटन को या फिर नीचे वाले बटन को दबा के। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम पहले जान लेते हैं कि क्यों आपका जो ब्राउजर है लैपटॉप या कंप्यूटर में वो स्लो हो जाता है। तो सबसे पहला जो रीजन है वो है आपका, अगर अपने ब्राउजर के ऊपर बहुत सारे एड ऑन्स या फिर एक्सटेंशंस अगर ऐड कर लेते हैं, लगा देते हैं, तो उससे उसका स्पीड काफी स्लो हो जाता है, इसकी वजह से आप एक अच्छा स्पीड नहीं मिल पाता। और दूसरी जो वजह है वो शायद आपका जो कंप्यूटर का मतलब हार्डवेयर है, जैसे रैम प्रोसेसर, ये थोड़ा कम पावर का है, कम थोड़ा स्पेसिफिकेशन इसकी कम है, तो आप उनको भी चेक कीजिए, अगर अपग्रेड कर पाए तो उनको भी अपग्रेड कर लीजिए। लेकिन आप लोगों का अगर हार्डवेयर बिल्कुल ठीक है तो इस वीडियो को आगे देखते रहिए, मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ कि कैसे आप अपने ब्राउजर को स्पीड अप कर सकते हैं। स्पेशली ये मोज़िला फायरफॉक्स ब्राउजर पे काम करने वाला है और मैं आज उसी को दिखाने वाला हूँ, तो ये मोज़िला के ब्राउजर के लिए बेस्ट है। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की ओर और मैं यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे, और अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने लैपटॉप के या फिर कंप्यूटर के ब्राउज़र को आप मतलब इसका स्पीड अप कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक टाइम रिकॉर्ड कर लेते हैं जी, कितना आपको टाइम लगता है एक नॉर्मल आपका जो स्लो हो चुका है उस ब्राउज़र को खोलने में। तो मेरा ब्राउज़र भी अभी काफ़ी स्लो हो चुका है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। आपको यहाँ पर जो है टाइमर दिख रहा होगा, यहाँ पर टाइमर दिख रहा होगा, तो आप इसको टाइमर देख लीजिए, ये मैंने अभी दबा दिया और ये टाइमर ऑन हो गया। अगर आपको ये थोड़ा बोर लग रहा है तो आप वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। इतनी देर बाद मतलब इतना टाइम जो लगने के बाद मेरा ब्राउज़र जो है, ये मेरा ब्राउज़र ओपन हो चुका है यहाँ पर, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर गूगल ओपन हो रहा है धीरे धीरे। तो अब जो बात है इसको आप स्पीड अप कैसे कर सकते हैं, मैं तो मेरा गूगल ओपन हो चुका है यहाँ पर, आप मेरा लोगो देख सकते हैं, और इसको आप मतलब स्पीड अप कैसे कर सकते हैं ये सबसे पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पर जो तीन लाइंस आपको दिख रही है, हम इस पर एक बार क्लिक करेंगे बस, और यहाँ पर आपको एक मेनू मिलेगा, ऐसा एक मेनू, यहाँ पर आपको एक हेल्प का मतलब जैसा क्वेश्चन मार्क जैसा मिलेगा, ये हेल्प है, हम इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आपको फिफ्थ नंबर पे एक ऑप्शन मिलेगा ट्रैवल शूटिंग इंफॉर्मेशन, हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक अलग पेज ओपन कर देगा। और यहाँ पर आने के बाद आपको इसके सारे डिटेल्स भी है वो मिल जाएंगे, लेकिन हमें ये ज़रूरत नहीं है, हमें जो ज़रूरत है वो है यहाँ पर लिखा है गिव फायरफॉक्स ए ट्यून अप और ट्राई सेफ मोड, ये इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है इसकी। तो यहाँ पर लिखा है रिफ्रेश फायरफॉक्स, मतलब इससे क्या होगा आपका जो फायरफॉक्स का जो ब्राउज़र है वो रिफ्रेश हो जाएगा। तो मैं इस पर एक बार क्लिक करूँगा और यहाँ पर एक छोटा सा टैब खुल जाएगा, और यहाँ पर मैं रिफ्रेश फायरफॉक्स पर जैसे ही क्लिक करूँगा ये बंद हो जाएगा, और फिर एक छोटा सा टैब खुल जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम देगा, ये यहाँ पर एक ऐसा टैब खुल जाएगा और ये हो गया, और यहाँ पर फिनिश आपको दिख जाएगा, और यहाँ पर फिर एक ऑलमोस्ट डन करके एक ऐसा आ जाएगा। यहाँ पर आप कोने में देख सकते हैं ओल्ड फायरफॉक्स डेटा, मतलब उसका जो भी डेटा था वो पूरा यहाँ पर दिखा देगा, ये उसका ये है। तो अब इसको थोड़ा स्किप कर देता हूँ मैं, ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है। अब जो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा रिफ्रेश हो चुका है, यहाँ पर मेरा
ब्राउज़र डेटा का जो है ये आ चुका है, मैं इसको फालतू ये आपके कंप्यूटर का काफ़ी जगह ले लेगा, ये 27 MB का फाइल है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ बराबर। और ये आपका ब्राउज़र जो है खुल चुका है, ये खुद से खुला है, मैंने नहीं खुला। यहाँ पर आपको फिर सक्सेस दिख जाएगा, और सक्सेस दिखने के बाद फायरफॉक्स रेडी टू गो, और यहाँ पर एडवांस कस्टमर हैज बीन रिमूव, योर ब्राउज़र सेटिंग हैव बीन रिस्टोर्ड टू देयर डिफॉल्ट, इफ़ दिस डज नॉट फिक्स योर इशू लर्न हाउ टू है, ये सब फालतू है। या इससे आपका जो प्रॉब्लम था वो फिक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको जो अगर आप कुछ इम्पोर्टेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर रिस्टोर ऑल विंडोज एंड टैब्स और लेट्स गो ऐसा टैप करेंगे, और यहाँ पर आपको फिर से रिस्टोर करने के लिए रिस्टोर किया है इसने, तो ये आपका ट्रबल शूटिंग वाला पेज भी ओपन कर देगा। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ और ये गूगल खुल गया। अब उस बार से इस बार का जो आपने देखा होगा वो कितनी जल्दी खुला है, मैं आपको फिर से बंद कर देता हूँ और फिर से मैं टाइमर दे रहा हूँ यहाँ पर, और आप देखते हैं ये मैंने दबाया और ये टाइम का फर्क देखा है आपने, टाइम का फर्क दिखता है यहाँ पर। तो इससे ये काम हो जल्दी हो जाता है, लेकिन ये आपका जो पूरा सिस्टम है, पूरा फायरफॉक्स है, इसको पूरा मतलब एकदम बेसिक है, मतलब स्टार्टिंग पे भेज देगा, मतलब डिफ़ॉल्ट पे भेज देगा। तो इसको आपको थोड़ा सेट कर लेना पड़ेगा, इससे आपका स्पीड काफ़ी बेहतर हो जाएगा। तो फिर इसको अभी मैं बंद कर देता हूँ, और जो मैं बात कर रहा था इस फाइल की, इस फाइल को भी हम डिलीट कर देंगे क्योंकि ये फालतू फाइल है, इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। तो मैं सिर्फ डिलीट मार के इसको एकदम डायरेक्टली डिलीट कर दूँगा, और ये डिलीट हो रहा है मेरा, ये डिलीट हो गया और बस ख़त्म। और आपका ब्राउज़र जो है वो अब स्पीड अप हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये थोड़ा उतना भी जल्दी नहीं है लेकिन काफ़ी जल्दी खुल रहा है पहले के मुताबिक। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि कैसे आप इसको ये कर सकते हैं, स्पीड अप कर सकते हैं, मैंने टाइम कंपैरिजन भी दे दिया है, तो आप इसको ट्राई कीजिए। और बाकी कुछ डिटेल्स मैं आपको कैमरे की और कैमरे पे दे देता हूँ, तो आइए चलते हैं फिर से। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि कैसे आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के ब्राउजर स्पीड को बढ़ा सकते हो, जल्दी से जल्दी ओपन हो सकता है, टाइम कंपैरिजन दे दिया है मैंने। तो इसके लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और भी मज़ेदार और टेक्निकल वीडियोस के लिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग, गुड बाय।